चल मेरे साथ काम जाना है, आज कुछ तूफानी करते हैं। हमाद यार आज गर्मी बहुत है, तो तुम्हारी मम्मा जो कपड़े शपड़े धो रही है गर्मी, तो आपकी मम्मा को क्यों ना फिर कुछ ठंडी ठंडी चीज पिलाई जाए। कौन से? बीवी के स्कूल में। बीवी के स्कूल में पढ़ते हैं आप? घर वाली के स्कूल में। ये इनको भी होमवर्क मिल गया, रजिस्टर वगैरह लेके जा रहा है सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। माशाल्लाह जी, सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह कर लिया? सुबह का टाइम है, छुट्टियाँ मना हो रही हैं। देखें कल से बल्ले को लगा हुआ है अपने को, कभी गिल्लू लगा रहे हैं, कभी धागा लगा रहे हैं इसके ऊपर, और कोई काम नहीं है इसको। रात 10 बजे तक बैठा रह गया है, ये बल्ला बनाता रह गया अपना, ऐसे ही है ना। ये बनाने अभी अभी बना नहीं, ये बस गिल्लू लगने वाली रह गई, ये बन गया है। बिस्तर वगैरह ऐसे उठाने वाले पड़े हैं, मनाल जाके ऊपर सो गई है अपने बाबा के पास, तो बिस्तर उसने उठाए नहीं। मैं अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ, नमाज वक्त पढ़ के फारग हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हमने मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं। रात बहुत गर्मी थी, कल बिजली नहीं थी, असर के वक्त बिजली गई है, रात 11-12 बजे बिजली आई है। इतनी गर्मी थी कि हम आपको क्या बताएं। हमने खाना भी हमने छत के ऊपर खाया है, इधर बना के ले गए, ऊपर जाके खाना खाया है। अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत गर्मी है। सामने माद नज़र आ रहा होगा, उसने मुर्गियाँ छोड़ी हुई है सुबह सुबह, क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं छत के ऊपर जा रही, ये देखें जी नया तमाशा, ये प्लेटफॉर्म है इनका, ये सो रही है बाप बेटी दोनों, चारपाई साथ पड़ी है, उस पर नहीं सोए, नीचे सोए। रात चटाई हम नीचे रखी थी, ऊपर रखी थी, क्योंकि ऐसे बिजली ना आई तो सारे ऊपर ही सो जाएंगे। फिर बिजली आ गई 11-12 बजे, तो फिर हम नीचे चले गए, खाना वगैरह ऊपर ही खाया था। चले उठ जाए, हेलो उठो नाहल, लेकिन धूप आ गई है इधर। मैं पौधों को भी उठा के इधर छाँव में रखूँगी, फिर मैं जाके नाश्ता बनाऊँगी। ये देखे पौधे, ये दो टमाटर भी लगे हुए हैं। नाहल उठ जा, धूप देखे सूरज आ गया, निकल आया है। आटे लेके भाग रहे हैं, मैंने इससे आगे आटा लिया था, ये भाग गए। कहीं हमारे भाई गाड़ी साफ कर रहा है, रेहान भाई ने अपनी सैर साफ की कर ली है, ये अपनी सैर साफ कर रहे हैं। मैं जी अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, मैं दोनों साइडों से कर रहा हूँ। जी वो कंधी थी, मम्मा ने कहा मैं आप ही देखती हूँ ना, मम्मा को बताती हूँ ना। मैं जी मम्मा को बताने जा रही हूँ, रेहान भाई ने झूठ बोला मम्मा से, मम्मा को बताती हूँ मम्मा इसने सच बोला या झूठ बोला। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। यार है खुश रहे, फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे, अपने घरों में अपने बच्चों में शाद बाद रहे। माशाल्लाह नाश्ता तैयार हो गया, सब बच्चे नाश्ता करने लगे हैं। आज हम बाहर बैठे हैं, नीचे नहीं बैठे क्योंकि कटोरे तो उन्होंने छोड़ी हुई है। इसके बच्चे मेरे बच्चों को खाना नहीं खाने देते, मेरा सारे चूजे ना बीमार हो गए, गर्मी की वजह से बीमार हो गए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो खुडे हमने बनाए ना, इस पे जो हाउस बनाया हमने शेरखाना हाउस और कटो, इसमें गर्मी बहुत लगती है, हवा आ रहा है, वो देखते हैं जालियाँ भी लगाई हुई, डबल डबल हर तरफ मशीन वगैरह भी हमने वहाँ से उठा ली, गर्मी की वजह से ये बीमार हो रहे हैं। तो दो इनमें से मर गए दो गर्मी से, कल मर गया था, एक अगले दिन मर गया। तो देखे अल्लाह ताला ख्याल करे, बच जाए, ये इतनी मेहनत की है। बाहर चले गए हमाद, रेहान है आ जाओ यार आ जाओ, ये अच्छी है ना, तो सब आशा करेगी पता नहीं बादशाह।
नीयत की आपने? इसने कल भी लिए थे ऐसे कभी? नहीं नहीं, आपने लिए कल? नहीं तू ही लिए कल, देना दे हमारे यहाँ को दिए थे कितने पैसे? कब दिए? आज ज़्यादा पूछ लेते हैं। मैं नाश्ता वगैरह कर लिया, तो माधुरी हान चले गए दुकान पे, अभी मैं भी जाऊंगा। तो कल दोपहर से बिजली नहीं थी रात, इसलिए भी लोग नहीं बना सके। तो एक तो मोबाइल भी बंद हो गए थे, दूसरा लाइट नहीं थी, फिर नेट भी नहीं चल रहा था, ना तो डेटा चल रहा था मोबाइल पे और ना ही वाईफाई चल रही थी, इसलिए फिर रात वीडियो नहीं डाल सका। सुबह वीडियो बनाएंगे, जो भी होगी डालेंगे, आप इसका शेयर करेंगे। सेटिंग वगैरह कर ली है इधर, फटियां शटियां नीचे रख के। हाँ जी, रात को इधर गर्मी आ गई है तो शाम को हम इसके इसमें इससे पानी निकालते हैं, निकाल के इसको खाली बिल्कुल करते हैं, फिर उठा के उधर रखते हैं। हाँ जी, उधर रख देते हैं। जब सुबह होती है फिर इसका पानी निकालते हैं, पानी निकाल के हम इधर रखते हैं, क्योंकि अगर इसकी पही वगैरह हो ना तो चले। मैं बेगम जा रहा हूँ दुकान पर, आप भी देखें अपना काम वगैरह देखें। तो बेगम ने मेरे ख्याल मशीन लगानी है, चलो ये आप लगाएं मशीन। गर्मी की वजह से ना सबके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, तकरीबन रोज ही कपड़े बदल लेते हैं, बच्चे भी साफ। गर्मी पड़ी बहुत रही है, बहुत गर्मी है, स्मेल आने शुरू हो जाती है, तो कपड़े लिए 8 दिन हुए अभी तो हैं। फिर आज फिर मशीन लगाऊंगी, कपड़े मशीन से उठा के इधर रखी, पहले उधर पड़ी थी शेर खान जो उसके पास, अब हमने उठा के इधर रखी है, क्योंकि उधर वो हवा दी, उनके शायद थोड़ी थोड़ी हवा इधर से खराब होगी, थोड़ी उधर से होगी, उनको हवा लगेगी। चलो ठीक है, फिर मैं जाऊँ। आप देख मियाँ साहब, ख्याल करना ये बॉल किसी के घर ना जाए, और दूसरा गाड़ी को ना लगे स्क्रीन पे। ये ना स्क्रीन की दुकान के अंदर जाने वाली थी, इतना फासला बैठा है। अच्छा, बाग नहीं आता। सफाई की है दुकान की? वो देखो, वो मेज़ के ऊपर आपने सफाई नहीं की, वो गंदी नहीं है। साफ करें, अलमारी को भी साफ करें, उसको भी साफ करें, जल्दी करें, अच्छे तरीके से साफ करें इसको। भाई सलीम मेरे घर जा रहा है नाश्ता करने, कोलखानी में जा रहा है कहाँ? सलीम भाई, आपको भी होमवर्क मिल गया क्या? हाँ जी। कौन से स्कूल पढ़ रहे हैं आप? वो बीवी के स्कूल में। कौन से? बीवी के स्कूल में। बीवी के स्कूल में पढ़ते हैं आप? घर वाली के स्कूल में। ये इनको भी होमवर्क मिल गया, रजिस्टर वगैरह लेके जा रहा है सलीम भाई। कितने वाला है ये? कितने वाला है? 230 वाला। दोपहर हो गई है जी, गर्मी बहुत है, अब मैं जा रहा हूँ घर, कोई सब्जी ला के देनी है घर, और मुर्गियों का ना खुड्डा बनाना है मैंने, और मुर्गियों के लिए ना इनको उनके बैठने के लिए जगह बनानी है हवादार, उसके लिए कुछ सामान का देखता हूँ, इधर से कुछ मिलता है तो वो लेके आऊँगा, नहीं तो वो मर जाएगी सारी मुर्गियाँ, बीमार हो गई मेरी। अब मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ से फिर चौक पर जाऊँगा। तो मैं भी जी घर पहुँच चुका हूँ। नहल क्या कर रही हो तुम? ट्यूशन गई थी? छुट्टी थी आपने? तो बेगम आप क्या कर रही हैं? मशीन लगाई हुई है, धो लिए कपड़े? आज ड्राई क्यों निकाल कर रखी है बाहर? आज बहुत गर्मी थी, ऊपर जाया नहीं गया मुझे। अच्छा, इतना सेक था ऊपर, मैं नीचे फिर फैला रही हूँ। नीचे फैला रही हूँ, चलो ठीक है। हाँ जी, ये ना मैंने बैठ रख के बैठता हूँ ना, कमर के पीछे रखता हूँ मैं इसको, तकिए को, तो ये ना ख़राब हो गए। बहुत वो हाथ गंदे लगते रहते ना ग्रीस तेल वाले। चल तो मैं यार जाऊँ बाज़ार, मैं ना पता करूँ वो रिम अगर मिलते हैं ना तो इनका खुडे का कुछ करूँ मैं, ठीक है? पानी शानी मुझे पिलाएं, फिर मैं जाता हूँ। चलो भाई, वही तो मेरे नाल ही कल मंडी, कल वही तो मेरे नाल ही मंडी। हाँ, आपने क्या लेना है? चलो दियो जी पैसे, 300 रुपये दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर ये आप ही छील रही है जी तरबूज ना, ये खरबूजा सरदा, पता नहीं इसको सरदा कहते हैं कि गर्मा कहते हैं, ये छील रही है, इसका बनाना है जी हमने जूस, मिल्क शेक पे के पी के फिर मैं जाऊँगा बाज़ार। जैसे जी मिल्क शेक बनता है ना आम का या दूसरी चीज़ों का, वैसे ही इसका बनता है, उसमें दूध वगैरह डालते हैं, इसमें हम पानी डालेंगे, दूध नहीं डालेंगे, इसका मिल्क शेक बनाएंगे आज। वो चीनी नहीं है, चीनी ला देना हमें। पहले चीनी लेके आऊँ जाके? हाँ, इधर से थोड़ी चीनी ला दे। तो बच्चों को भेजे ना ले जाके, वो आधा किलो मंगा लें, फिर मैं ले आता हूँ। हाँ ठीक है।
खरबूजा 600 में काटा है, काट के छोटे टुकड़े कर लिए। देखो हमाद जी, यार आज गर्मी बहुत है, तो तुम्हारी मम्मा जो कपड़े शपड़े धो रही है गर्मी, तो आपकी मम्मा को क्यों ना फिर कोई ठंडी ठंडी चीज़ पिलाई जाए, कुछ जूस शूस बना दें। देखें दीदी जूस वगैरह बेगम के लिए आज स्पेशल, हम उसको क्या उसको करेंगे जी। अच्छा तो बेगम के लिए जी स्पेशल ठंडा ठंडा मिल्क शेक तैयार हो रहा है, जूस खरबूजे का, जूस खरबूजे का गर्मी का या सर्दे का ये जूस तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले डालेंगे जी हम क्या डालेंगे जी, ये वाला ये जो है थोड़ा सा पानी भी जाएगा इसमें, ये देखिए पानी भी शामिल किया हुआ है, बर्फ़ और ये वाले काटे हुए जो खरबूजे के टुकड़े छोटे छोटे, चीनी चलें जी थोड़े थोड़े डाल के ना इसको ग्राइंड करना है ऐसे। ज़बरदस्त, ऊपर से जी हम जामिश्री के साथ थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसको, ज़बरदस्त। ये देखिए तो माशाल्लाह जी जूस देखें जी, बहुत ज़बरदस्त जूस तैयार हुआ है जी, गार्निश भी कर दिया ऊपर से सर्दे का जूस। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जूस तैयार हुआ है, अब मैं आपको पी के दिखाऊं, मज़ेदार बना है, बहुत मज़ेदार बना है माशाल्लाह। नाले का पीना है जिसको बता रहे, क्यों मैंने पीना सर, कपड़े मैंने तो ये मैंने पीना, ज़बरदस्त। जो बूढ़े लोग हैं ना खासकर बूढ़े जिनके दांत नहीं है, जिनसे ये खाया नहीं जाता, हाँ जी, उनके लिए ये बहुत फिट है, जूस बनाए इसका पिए मजे ले, गर्मी के मजे ले, गर्मी के गर्मी में ठंडक के मजे ले जी, माशाल्लाह बहुत ठंडा जूस बनाया इसका आपने और पीने। हाँ एक के साथ तो कुछ भी नहीं बना, ग्लास की तरह ग्लास इधर रखा है मैंने, ग्लास आप ही लेगी उठा के, बस इतना बहुत है। चल क्या पकाना है आज? हाँ चिकन कोरमा, चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, क्या कुछ नहीं बना ले, जो बनाना है। मजेदार बना, अभी बना रही है तुम्हारी मम्मा, बड़े डिजाइन बनाए हुए हैं आप लोगों ने, खत्म हो गया पेट भर गया, बाद चल मेरे साथ काम जाना है, आज कुछ तूफानी करते हैं। शेर खान तुम्हारा भी गाड़ी के ऊपर क्या काम है, बात के ऊपर चढ़ जाए तो बीठे कर रहे हो, बीठ भी कर रहे ऊपर गंदे रहे, चलो इसको बंद करें, चाबी कहाँ मोटरसाइकिल की, हमारा तो गर्मी भी बहुत है यार, हम निकल आए हैं, धूप इतनी है ना, दोपहर का टाइम है, चारों तरफ ऐसे ना आग बरस रही है जैसे देख, तो चलते हैं स्क्रैप की दुकान पे, यहाँ से ना कुछ देखते हैं भाई हमें कुछ मिल जाए रिम वगैरह, तो जिसका ना हम कोई बना सके कुछ नया कुछ बनाए, अभी गर्मी में हम निकल रहे हैं इसी तरह स्क्रैप वाले की दुकान पे जा रहे हैं। अपना वहाँ से मोटरसाइकिल क्रॉस कर लें तो मैं इधर से लाइनें क्रॉस कर लेता हूँ, तो आ जाएं जल्दी, तो जी गर्मी बहुत है, निकल तो गए हैं हम, कुछ मिलेगा तो लेके आएंगे, और सामान भी लेके आना है घर का, लाइनें क्रॉस कर लिए मेरे ख्याल में पापा ने, हाँ जी लाइनें क्रॉस कर लिया, तो जब हम जाएंगे चलेंगे।
चले जी बैठो। हाँ जी मैंने कपड़ा भी नहीं लिया, वो रुमाल धोने वाला था, मैं धो रही थी ना। स्क्रैप की दुकान पर पहुंच चुके हैं, ये देखें ये सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है, ये देखें ये सारा स्क्रैप ही है। हम आधा मतलब ये जाली दरवाजे के लिए इसका बनाएंगे दरवाजा कुटे का। हाँ जी ये देख ये जाली है। हाँ जी सीधी करके दिखाना बेटा, नज़र नहीं आ रही ऐसे। हाँ ये जाली और ये हमने दो पाइप ले लिए, झूला पता नहीं क्या था बच्चे का, वाकर था इसका जी। हम बनाएंगे खुडा मुर्गियों के लिए, छोटे चूजों के लिए, तो आपको दिखाएंगे कि इसका हम खुडा कैसे बनाते हैं, आपने हमारे साथ है ना जी ये देखने के लिए। चले अब वहाँ चलेंगे आराम, बहुत गर्मी है यार, आग बरस रही है इधर तो। माशाल्लाह जी दोपहर का टाइम है और खाना खाने लगे, जिस टाइम पर खाना खाना हो जाए। आज क्या बना रहे हो? आलू गोश्त। आलू गोश्त बना रहे हो जी? बड़ा गोश्त है, छोटे आलू है। हाँ जी दोपहर का खाना खाने लगे, जिस टाइम पर खाना खाना हो जाए। माशाल्लाह साहब बैठे हैं, 10-15 मिनट लगा हुआ है खाना खाने में, पैसा भी नमाज पढ़ ली है, गर्मी बहुत है, तो यकीन करना कितनी गर्मी है कि क्या बताएं। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह जिस हाल में रखे ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा इतनी मिर्चें तो नहीं है, यही हमने महसूस की है।